आप देख रहे हैं ईटीवी भारत, ये है न्यूज टाइम। राधिका खेरा ने कांग्रेस पार्टी से दिया इस्तीफा, मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा त्याग पत्र, कहा लड़की हूँ आगे भी लड़ती रहूंगी। बस्तर में लाल आतंक को तगड़ा झटका, तीन इनामी माओवादियों सहित 35 नक्सलियों का समर्पण, दंतेवाड़ा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान, नारी शक्ति अधिनियम होगा लागू, आगामी चुनावों में महिलाओं को देंगे 33% आरक्षण। रायपुर में मनजिंदर सिंह सिरसा का कांग्रेस पर करारा प्रहार, कहा सिखों के खून से रंगे हैं कांग्रेस के हाथ, मोदी जी ने दिलाया हमें न्याय। सिरसा के बयान पर दीपक बैज ने किया पलटवार, बोले अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश कर रही बीजेपी, जनता जान चुकी है बीजेपी की सच्चाई। चुनाव प्रचार के दौरान हसदेव का मुद्दा रहा गायब, कांग्रेस और बीजेपी ने किया इससे किनारा, पूर्व में जमकर हुई थी इस मुद्दे पर सियासत। सरगुजा में मतदान की तैयारियां पूरी, नक्सल प्रभावित इलाकों में 1800 जवानों की होगी तैनाती, 7 मई को है लोकसभा सीट पर मतदान। दुर्ग लोकसभा सीट पर मतदान की तैयारियां पूरी, 1479 मतदान केंद्रों पर डाले जाएंगे वोट, चुनाव आयोग की हर गाड़ी GPS सिस्टम से होगी कनेक्ट। दुर्ग में क्रशर प्लांट में हुआ हादसा, 3 मजदूर आग में झुलसे, हादसे के वक्त फायर फाइटर सिस्टम नहीं था मौजूद। राजनांदगांव में बहन निकली भाई की कातिल, मृतक बहन को फोन पर बात करने से करता था मना, नाराज बहन ने किया कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला। भिलाई स्टील प्लांट में लैंडर पंक्चर होने से लगी आग, प्लांट में मजदूरों के बीच मची अफरा तफरी, दमकल ने पाया आग पर काबू। ये थी अभी तक की प्रमुख खबरें, अधिक खबरों के लिए लॉगिन करें www.etvbharat.com।